हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए, चैप्टर नंबर 6 में जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, तब वहां पर हमने दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। हमने सीखा था कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। और फिर चैप्टर नंबर 6 में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, जो कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होता है। वो था वर्क। वर्क जो है वो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जिस तरीके से वहां पर हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर उनका प्रोडक्ट स्केलर आता है, उसके बारे में सीखा था, उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग फिर से दो वेक्टर्स लेंगे और उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस बार थोड़े अलग तरीके से दो वेक्टर्स को अब हम कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर आए। तो अगर आप दो वेक्टर ले रहे हैं और दो वेक्टर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनका प्रोडक्ट भी अगर वेक्टर आता है, तो क्या उस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं? तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, यानी दो वेक्टर के बीच का वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला कंडीशन तो ये है, जैसे हर बार आता है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी देखा, आपने स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा, उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट में भी है कि दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब वो दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करें, जब वो दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करें। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है मेरा ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। करना बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए, इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहला चीज जो हम लोग चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेंगे तभी इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। अगर अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे दोनों वेक्टर्स, तो उनके बीच का वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया यहां पर दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। तो करना क्या है, हम जानते हैं कि हम लोग फ्री वेक्टर्स को पढ़ते हैं, तो किसी भी एक वेक्टर से बी वेक्टर को मैं इसके खुद के पैरेलल, बी वेक्टर को बी वेक्टर के ही पैरेलल में शिफ्ट कर देता हूं बिना इसके लेंथ को चेंज किए हुए, कुछ इस तरीके से कि बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो देखिए, ए वेक्टर तो आपका इस तरीके से है बच्चों, और ये जो बी वेक्टर है, मैं इसे खुद के पैरेलल शिफ्ट करके, इसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करके और इस वेक्टर को मैं यहां ले जाकर प्लेस कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो आप नोटिस करिए कि जब बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, तब इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। कितना एंगल बन रहा है बच्चों? थीटा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इन दो वेक्टर्स का, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का, अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद करिए, हमने लिखा था पिछले चैप्टर में ए वेक्टर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता था इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यही सीखा था बच्चों हमने। उसी तरीके से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो हमारा होता है इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ये होता है साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर भी आता है एन कैप। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर भी आता है बच्चों, एक डायरेक्शन भी आता है इसका एन कैप। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इज इक्वल्स टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली स्मॉल ए लिख रहा हूं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्मॉल बी, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, ये हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। और सपोज करिए इसे मैं सी वेक्टर के बराबर लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर को अगर हम टेल टू टेल ज्वाइन कर लेते हैं, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस कंडीशन में आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे किसके बराबर लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों के बीच में एंगल थीटा है उसका साइन थीटा, और फिर एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसे मैंने, चूंकि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट आपका निकल कर आया है इसमें एक यूनिट वेक्टर भी है, ये पूरा मैग्नीट्यूड है बच्चों और ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि पूरा का पूरा ये राइट हैंड साइड एक वेक्टर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस प्रोडक्ट लिए है, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो खुद एक वेक्टर है, इसीलिए इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ऑलराइट, तो सपोज करिए इसे अगर आपको कभी भी गिवन होगा कि सी वेक्टर या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, तो आप समझ जाएं कि सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ इनके बीच का एंगल मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब एक दो चीजें हैं ये आप समझ लीजिए, यहां पर देखिए जो सी वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहा है, यही हमने डिस्कस किया था ना कि भाई दो वेक्टर को हम लोग तभी क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं जब वो सेम प्लेन में लाई करे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एक प्लेन में लाई कर रहा है, उसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब उसका रिजल्टेंट सी वेक्टर जो है वो जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि रिजल्टेंट सी वेक्टर लाइज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा बच्चों, तो सी वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा, देखिए परपेंडिकुलर है ना, अगर ए और बी वेक्टर जो है वो वाई जेड प्लेन में हुआ तब जो सी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और अगर ये एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा तब जो सी वेक्टर है वो वाई एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, क्लियर है बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ओके। उसके बाद समझिए कि एक रूल होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल, देखिए सी वेक्टर आप समझ तो गए कि भाई चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो सी वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन z एक्सिस के अलोंग में तो दो डायरेक्शंस होते हैं ना, एक पॉजिटिव z एक्सिस और एक नेगेटिव z एक्सिस, तो हालांकि ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करते हैं, लेकिन उस परपेंडिकुलर में भी दो डायरेक्शंस होते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव z एक्सिस नेगेटिव z एक्सिस, इस केस में पॉजिटिव x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, इस केस में पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, तो अब भाई वो उस वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, सो कैसे पता करें, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड स्क्यू रूल। राइट हैंड स्क्यू रूल क्या कहता है, राइट हैंड स्क्यू रूल कहता है कि
कि भाई ऐसा करो कि एक स्क्रू कंसिडर करो, ठीक है, एक स्क्रू है इस तरीके से, ठीक है, इमेजिन करो कि ये एक स्क्रू है और इस स्क्रू को किस तरीके से रखना है समझिए, ये स्क्रू का बेस है, क्या बच्चों ये बेस है, तो स्क्रू का जो बेस है वो आप लोग सब जानते हैं कि एक प्लेन में लाई करता है। स्क्रू का बेस कैसे लाई करता है बच्चों, एक प्लेन में लाई करता है, तो प्लेन में लाई करना है इस स्क्रू को किस तरीके से, सपोज करें कि ये आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है, ये ए वेक्टर है, ये इसको मैं ऐसे शो करता हूं, सपोज करिए हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है बच्चों, और इसके बीच का एंगल है ये थीटा, ठीक है, आप समझिए क्या है स्क्रू रूल, क्या कहता है स्क्रू रूल, कहता है कि अगर हमें दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, तो उस कंडीशन में आप एक स्क्रू को ले जाकर रखिए कुछ इस तरीके से कि स्क्रू का जो बेस है वो जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं स्क्रू का जो बेस है वो भी उसी प्लेन में लाई करना चाहिए। जैसे कि अगर ए और वेक्टर और बी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो स्क्रू को कुछ इस तरीके से ले जाकर आप रखेंगे कि इसका जो नीचे वाला बेस है सर्कुलर बेस वो भी एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, तो स्क्रू का जो जो टिप है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा बच्चों, जाहिर सी बात है जेड एक्सिस के अलोंग, जो बेस है उसके परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप पहले आपने ये समझ लिया कि आपको जिन दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है वो दो वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं आपको स्क्रू को ले जाकर कुछ इस तरीके से रखना है कि उस स्क्रू का जो बेस है वो सेम उसी प्लेन में लाई करें। उसके बाद आप अपने राइट हैंड को ठीक है, राइट हैंड के जो ये फिंगर्स हैं, राइट हैंड के जो ये फिंगर्स हैं इनको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, यानी इसे पहला वेक्टर है ये, यहां से दूसरे वेक्टर की तरफ, इस तरीके से राइट हैंड है इसका पहला वेक्टर है वहां से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, ए वेक्टर है ये, यहां से दूसरे वेक्टर यानी बी वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे, तब ऐसा करने पे आपका थंब इस स्क्रू पर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ठीक है, वही आपको जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन बताता है। बात समझ आ रही है, यानी आपने एक प्लेन लिया जिसमें ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, उसमें आपको स्क्रू के बेस को रखना है, फिर स्क्रू को आपको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए अपने राइट हैंड के, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड के जो चारों फिंगर्स हैं उसको कर्ल करना है, रैप करना है उस स्क्रू के अबाउट। कैसे रैप करेंगे, पहला वेक्टर जहां पर है पहले वेक्टर पर अपने चारों फिंगर को रखकर और दूसरे वेक्टर की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे, तो ऐसा कर्ल करने पर थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जाहिर सी बात है इन फिंगर्स के परपेंडिकुलर है थंब, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा किसका, जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी वेक्टर उसका, ठीक है। तो इसमें है कि प्लेस अ स्क्रू, स्क्रूज बेस इन प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, रैप फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड, ठीक है बच्चों, आपको प्लेस करना है स्क्रू जिसका बेस दोनों वेक्टर के प्लेन में लाई कर रहा है और फिर अपने फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को फर्स्ट वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ आपको रैप करना है, देन
डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, एक चीज और समझ लीजिए कि देखिए ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अगर ए वेक्टर का मैं कंपोनेंट लू तो देखिए, एक तो ए वेक्टर का कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होंगे, एक ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अच्छा ये ए साइन थीटा हो या ए साइन, ये ए साइन थीटा हो, एक ही बात है ना बच्चों, ए साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते थे डॉट प्रोडक्ट में, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में, और यहां ए साइन थीटा को हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये जो क्रॉस यहां पर आ रहा है ना, इसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमने क्या किया है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, हमने क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर है, ए वेक्टर का कंपोनेंट ले लिया है बी वेक्टर के अलोंग, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर वाला अलोंग वाला कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा होता है। तो यही तो परपेंडिकुलर होगा ना, जो यहां पर ऐसे लाई करेगा वो, तो मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बी वेक्टर के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ए वेक्टर के पैरेलल। ठीक है, ये लाइन है बी वेक्टर के पैरेलल, ये ए वेक्टर के पैरेलल, ये एक पैरेललोग्राम बन गया है ना। अच्छा, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कितना आएगा बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया, ये आ जाएगा बेस का मैग्नीट्यूड है बी और जो हाइट है, बेस इनटू हाइट ही होता है ना, जो हाइट है वो है ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा, बच्चों देखिएगा जरा, इन ये जो वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, अगर एन कैप आप हटा दें, एन कैप हटा दें, तो ए बी साइन थीटा ही तो आ रहा है ना। यानी आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। कौन बना रहा है वो पैरेललोग्राम बच्चों, तो ये दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके खुद के पैरेलल जो लाइंस हैं, ये सब मिलकर जो पैरेललोग्राम बनाते हैं, उस पैरेललोग्राम का एरिया और इन दोनों वेक्टर के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। इसको नोट कर ले बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 6 में प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देखा था, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है, देखिए स्केलर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, राइट। यानी आपने पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट जो कम्यूटेटिव होता है नेचर में, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर बी वेक्टर और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों केस में, लेकिन यहां पर ए वेक्टर पहले है बी वेक्टर बाद में, और यहां बी वेक्टर पहले ए वेक्टर बाद में, अगर इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता है। इनफैक्ट होता क्या है, होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर
और इसके साथ आपको आगे लगाना पड़ेगा एक माइनस का साइन। क्यों, इसके पीछे का भी लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए बच्चों हमारे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, इसके बीच का एंगल है थीटा। तो राइट हैंड स्क्रू में आपने क्या सीखा है कि भाई आपको अपना राइट हैंड लेना है और राइट हैंड को पहले हम देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब है कि आपको अपने राइट हैंड के जो ये फिंगर्स हैं इनको ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मूव करना है, कर्ल करना है, ए से बी की तरफ मोड़ दिया, ठीक है, ए से बी की तरफ, तब थंब जो है बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड पॉइंट करना है, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। और B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर क्या होगा बच्चों, उसके लिए आपको B से A की तरफ जाना है, तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। यूं समझिए कि अगर A क्रॉस B पॉजिटिव Z एक्सिस के लॉन्ग है तो B क्रॉस A नेगेटिव Z एक्सिस के लॉन्ग, इसीलिए एक माइनस साइन यहां पर आ रहा है बच्चों, ठीक है। A क्रॉस B देखिए A से B की तरफ फिंगर कर्ल करिए, अंदर की तरफ हुआ, और B से A जब आप करते हैं तो बाहर की तरफ हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहां माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फिर से पलट कर अंदर की तरफ ही आ जाएगा ना, इसलिए एक माइनस साइन यहां पर लिखना जरूरी है। ए वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्लियर है ये बात। अच्छा तीसरा पॉइंट ये है बच्चों के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर, यानी आप समझिए कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर को मैं पलट देता हूं तो ये हो जाएगा इस तरीके से माइनस ए वेक्टर, राइट, इसको मैंने पलट दिया माइनस ए वेक्टर, और B वेक्टर को पलटना पड़ेगा बच्चों, तो ये तो माइनस ए वेक्टर इस तरीके से हो गया हमारा, और B वेक्टर को मैं पलट दूं अगर तो ये हो जाएगा माइनस B वेक्टर। अब जरा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करते हैं और माइनस A वेक्टर क्रॉस माइनस B वेक्टर करते हैं, देखिए A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो है बच्चों वो आपका अंदर की तरफ है इनवर्ड, ठीक है, और यहां पर अगर आप A वेक्टर से B वेक्टर की तरफ जाते हैं तो ये भी इनवर्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है बच्चों। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पढ़ा था ना प्लेन मिरर के बारे में कि उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इनवर्टेड होती है, लेफ्ट राइट की तरफ दिखता है, राइट लेफ्ट की तरफ दिखता है। तो देखिए अगर इन दोनों को मिरर के सामने, अगर इस वेक्टर को मिरर के सामने रखूं तो क्या मुझे इस तरीके का नजर नहीं आएगा, बिल्कुल लेटरली इनवर्टेड, ये पलट जाएगा ये पलट जाएगा, इसलिए इसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर को फॉलो करता है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं बी वेक्टर और सी वेक्टर, उनको आपने ऐड कर रखा है, फिर उसको आप ए वेक्टर के साथ सब क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, ये किसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन सी प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑलराइट। अच्छा उसके बाद बच्चों एक दो चीजें और समझिएगा, देखिए चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, राइट। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो डिग्री
यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या फिर 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि साइन जीरो या साइन 180 जीरो के बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर थीटा आपका 90 डिग्री यानी कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए इंटू बी के बराबर आएगा। ये मैक्सिमम होगा बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर आपके पास दो सेम वेक्टर है उसका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम है, इनटू साइन, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं इसलिए इनके बीच का एंगल होगा जीरो डिग्री, इसीलिए यह आ जाएगा आपका नल वेक्टर। क्या आ जाएगा? नल वेक्टर, यानी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर आता है। कितना था बच्चों? नल वेक्टर आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप समझ रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं है, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर को फॉलो करते हैं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस माइनस बी के बराबर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए और बी वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा अगर दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। अगर ए और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल यानी जीरो डिग्री एंगल बना रहे हैं या एंटी पैरेलल यानी 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तब इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। मैक्सिमम तब होगा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और सेम वेक्टर, सेम दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर आता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर जीरो डिग्री या 180 डिग्री है तो भी ये नल वेक्टर ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें। देखिए बच्चों, हम लोग अब नल वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, किसका वेक्टर प्रोडक्ट करने आ रहे हैं बच्चों? हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप होता है बच्चों, आई कैप जे कैप और के कैप, इसके वेक्टर प्रोडक्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, आपको एक सर्कल बनाना। ठीक है, हमेशा से ही याद रखने काम में आया बच्चों, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सर्कल बना लिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर आप एरो दिखाइए आई कैप, इससे थोड़ा दूर जे कैप और फिर यहां पर आप दिखा दीजिए के कैप। ठीक है, ये तीनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑलराइट, अब देखिए मैं क्या क्या फाइंड आउट कर रहा था, मैं फाइंड आउट कर रहा था आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप और के कैप क्रॉस आई कैप, एक तो ये फाइंड करना है, फिर जैसे आई क्रॉस जे फाइंड किया वैसे ही जे क्रॉस आई फाइंड करना है, जे कैप क्रॉस आई कैप, यहां पर के कैप क्रॉस जे कैप और यहां पर आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, उसके बाद मेरे को फाइंड करना है आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप। पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, आपने आपने अभी सीखा था कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये तीनों तो सेम वेक्टर आई क्रॉस आई जीरो होना चाहिए। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड वन, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वन इंटू वन इंटू साइन जीरो डिग्री, ये आपको हो जाएगा जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा बच्चों। अब देखिए आई क्रॉस जे कैसे निकालते हैं, आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप। ठीक है, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा बच्चों?
के कैप, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई कैप, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो अगले में पहुंच जाए के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ये हो जाएगा जे कैप के बराबर। क्लियर है भाई कैसे आया, समझिए एक चीज को, आई क्रॉस जे का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस यानी कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो भाई इसका रिजल्टेंट किधर होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर यानी जेड एक्सिस के कैप, समझ रहे इस बात को बच्चों। अब वैसे जे क्रॉस के यानी कि ये वाई जेड प्लेन में, इसका परपेंडिकुलर कहां एक्स एक्सिस के लो, ये जेड एक्स प्लेन में इसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के लो, ठीक है। अच्छा आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई कितना होना चाहिए, माइनस के कैप, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भैया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसका मतलब ये हो गया ना कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे क्रॉस आई होना चाहिए, यानी आई क्रॉस जे जितना आ रहा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जे क्रॉस आई बनाने के लिए, तो इस माइनस को चलिए मैं इधर ले आता हूं, ठीक है बच्चों। आई क्रॉस जे कितना है के कैप, तो यहां पर लिख दीजिए के कैप, एक माइनस साइन भी तो आएगा जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। वैसे के कैप क्रॉस जे कैप, देखिए जे क्रॉस के है आई तो के क्रॉस जे कितना हो जाएगा माइनस आई, और के क्रॉस आई है जे तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, यानी आपको इतना याद रखना है कि आई क्रॉस जे यानी कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई क्रॉस जे तो कितना हो जाएगा ये के कैप, वैसे जे क्रॉस आई फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई कैप, और फिर आप क्लॉकवाइज में चलिए के क्रॉस आई तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप, ठीक है। क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो पॉजिटिव में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलिए आई क्रॉस जे, आई सॉरी जे क्रॉस आई, तो जे से आई देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो इसलिए के कैप नहीं होगा माइनस के कैप होगा, के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे, के से आप जे फिर से देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं इसलिए आई ना होकर माइनस आई कैप हो जा रहा है। आई क्रॉस के, आई से के फिर से देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा माइनस जे, यानी दिमाग में ही रखना है आई जे के इस ऑर्डर में क्लॉकवाइज में रख देंगे, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो रिजल्टेंट पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो रिजल्टेंट नेगेटिव, ठीक है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, चलिए बच्चों ये आखिरी चीज हम लोग देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, कह रहा है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ना है तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे देखिएगा, सपोज करिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये आपको गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर है बच्चों बी वेक्टर, ठीक है। ये बी वेक्टर कितना है, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे आप जरा समझते हैं इसको। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का मतलब है बच्चों कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ, राइट। अब देखिए हम लोग एक एक करके करते हैं, पहले ए एक्स आई कैप जो है उसको बी एक्स आई कैप से, फिर इसको बी वाई जे कैप से, फिर इसको बी जेड के कैप से करेंगे, मल्टीप्लीकेशन यही तरीके होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, यही है बच्चों,
आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस ए एक्स बी वाई, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर ए एक्स बी जेड इंटू आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बाकी दोनों से भी आप लोग कोशिश करिए एक बार खुद से इसको करने की, उसके बाद देखिएगा मेरा सॉल्यूशन। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके। देखिए अब ए वाई को करना है, ए वाई को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए वाई बी एक्स, ये कितना हो जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, फिर ए वाई को बी वाई से करेंगे तो ए वाई बी वाई दोनों जे कैप है तो जे कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, और फिर ए वाई को बी जेड से करेंगे तो ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, ऐसा ही लिखा बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर AZ जो करेंगे BX से तो AZ BX ये कितना हो जाएगा K कैप क्रॉस I कैप, प्लस AZ को BY से करेंगे तो ये हो जाएगा K कैप क्रॉस J कैप, और फिर AZ को BZ से करेंगे AZ BZ ये दोनों है K कैप क्रॉस कैप। देखिए बच्चों आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो होता है, और के कैप क्रॉस के कैप जीरो होता है, तीन टर्म्स तो ऐसे ही हट गए। ठीक है, अब हमारा बचता क्या है इसको जरा देखिएगा, हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है के कैप, तो इंटू के कैप। ठीक है, और ये आ रहा है एजेड बीजेड, AZ BZ I cap cross K cap anti clockwise जाना होगा तो minus J cap। ठीक है, उसके बाद फिर AY BX AY BX J cap cross I cap होता है बच्चों minus K cap, तो मैं K cap यहां लिख रहा हूं और इसका minus जो है बाहर निकाल दे रहा हूं। ठीक है, तो दूसरे वाले में भी माइनस जो है बाहर निकलेगा। अगला क्या है ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप होता है बच्चों आई कैप, तो प्लस आई कैप होता, लेकिन एक माइनस बाहर निकला हुआ इसके लिए माइनस ए वाई बी जेड आई कैप हो जाएगा, और फिर आखिर में ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है जे कैप, तो ये हो जाएगा ए जेड BX into J cap, और ये हो जाएगा AZ BY K cap cross J cap, क्या होता है बच्चों K cap cross J cap होता है minus I cap। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत आसान से हम लोग फॉर्मूले में इसको रख दे रहे हैं, देखिए किस तरीके से रख रहे हैं, A vector cross B vector is equals to, देखिए यहां पर लिखिए आप I cap J cap K cap। ठीक है बच्चों, और उसके नीचे क्या लिखिए, पहला वेक्टर था A वेक्टर, तो I cap के अलोंग है AX, J cap के अलोंग है AY, और K cap के अलोंग है AZ, इसके ठीक नीचे नीचे लिख दिया। फिर वैसे ही B वाला लिखेंगे BX BY और BZ। ठीक है, अब देखिए बच्चों तरीका क्या है, सबसे पहले आप लेंगे I cap, सबसे पहले क्या लेंगे I cap, आई कैप के साथ क्या आएगा, जब आप आई कैप लिख रहे हैं तो आई कैप से वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल छुपा दीजिए, तो ये पूरा हिस्सा जो हट जाएगा बचेगा सिर्फ ये वाला, है ना, तो इसमें करना क्या है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए वाई बी जेड माइनस AZ BY। अब यहां नोटिस करिए, यहां पर अगर आप आई कैप वाले प्रोडक्ट को लिखते हैं साथ में तो क्या लिखते हैं, देखिए आई कैप कहां कहां आ रहा बच्चों, देखिएगा जरा, एक तो यहां आ रहा है आई कैप और एक यहां आ रहा है आई कैप, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड,
और एक माइनस ए जेड बी वाई। आ रहा बच्चों? ठीक है, चलिए इसको यहां पर हम प्लस में ही लिख देते हैं, ये माइनस और ये प्लस हम लोग अभी कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, आई कैप में ए जेड बी वाई और ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई, यही तो आ रहा है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर अब आप जे कैप को करते हैं, ठीक है इसको छोड़ देते हैं, अब जे कैप को करते हैं बच्चों। जे कैप में देखिए क्या क्या आ रहा है हमारा, जे कैप में हमारा आ रहा है ए जेड बी जेड और आ रहा है ए जेड बी एक्स, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आ रहा है बच्चों, इसमें हम लोग माइनस जे कैप लेंगे, पहले वाले में जैसे प्लस लिया दूसरे वाले में माइनस लेते हैं, माइनस। अच्छा जे कैप क्लियर है तो बीच वाला छुपा देंगे और ये ऊपर वाला छुपा देंगे, तो बचेगा क्या ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। ठीक है, क्या बचेगा हमारा ए एक्स बी जेड, देखिए बच्चों ए एक्स और बी जेड हमारा आ रहा है राइट। देखिए ये अच्छा सॉरी ये ए एक्स बी जेड था, ए एक्स बी जेड। ठीक है, तो माइनस साइन लिया है ए एक्स बी जेड, ठीक है ए एक्स बी जेड, फिर एक माइनस लिखते हैं उसके बाद फिर ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। अब यहां से मैच करिए, क्या है माइनस ए एक्स बी जेड है बच्चों, देखिए यहां पर माइनस ए एक्स बी जेड आ रहा है और यहां पर प्लस ए जेड बी एक्स है, माइनस पे हम मल्टीप्लाई करें प्लस ए जेड बी एक्स आ गया। उसके बाद फिर आपका प्लस के कैप, के कैप में जब आप इसको छुपा देंगे तो बचेगा क्या सिर्फ ये ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये मैथमेटिक्स में आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक है, अब यहां से नोटिस करिए, इसमें हमने क्या लिख दिया माइनस जे कैप के साथ क्या लिखा बच्चों, ए एक्स बी जेड और माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, और के कैप के साथ हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा जरा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई और के कैप कहां रहा है माइनस ए वाई बी एक्स राइट। देखिए यही आ रहा है हमारा, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। किस तरीके से, पहले यूनिट वेक्टर लिख लीजिए, फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स ए वाला और बी वाला लिख लिया और मल्टीप्लाई करना आपको बताया, आई कैप करेंगे तो ये इससे आएगा, उसके बाद फिर जब दूसरा जे कैप करेंगे तो हमें एक माइनस जे कैप ले लेके एक माइनस साइन पहले से बाहर कॉमन ले लेंगे, उसके बाद फिर ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर आखिरी केस में क्या था बच्चों, हमने के कैप लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव, फिर ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आज हम लोग यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो तब तक आप जो आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिएगा अच्छे से, बार बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको नोट कर लीजिए और प्लीज पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।